ओके आपको यहाँ पे आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैट्राइसिस का। तो इस वीडियो में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका साइज क्या देखो यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या है, 3x4 मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 4 कॉलम्स हैं। बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म मीन्स इस मैट्रिक्स ए का हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे ये बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे कि जब भी हमको किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने बोलता है, स्पेशली बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म में, तो उस केस में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मुझे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए सीक्वेंस में, ताकि मैं इजिली रैंक को निकाल सकूँ अगर इस मेथड से निकालने बोला है तो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सिंपली इस छोटे से स्क्रीन में आपको दिखाने के लिए, बेसिकली मैं यहाँ पे राइट लेफ्ट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा स्टेप्स को बनाते हुए। लेकिन आपको करना क्या है, मेन एग्जाम में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे स्टेप्स को आगे पीछे करके दिखाऊंगा मैं। आजू बाजू दिखाऊंगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको करना क्या है, एक सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कोशिश करेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, ये अपना 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है तो हम कोशिश करेंगे इसको 1 करने के लिए। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि इसको 1 ही करना हमेशा। अगर यहाँ पे इसको 1 करने के लिए मान लो कोई रो या कोई कॉलम अगर आपका फ्रैक्शन में अगर हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करें। और लग रहा है कि हाँ भाई इजिली ये 1 हो सकता है बिना किसी चीज़ को फ्रैक्शन किया, फिर सिंपली रो को या फिर कॉलम को अगर अपन लोग इंटरचेंज करेंगे तो अगर 1 हो सकता है तो उसको अपन 1 कर लेंगे राइट। बट यहाँ पे उसको चिंता मत करिए बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1 है। ये 1 है तो हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, यस इस कॉलम में। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कॉलम में इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो 2 एलिमेंट है उसको हम पहले क्या करेंगे, 0 करेंगे। आई बात समझ में, पहला अपना काम क्या है इसको 1 करने का कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 करने बाद अगर नहीं हो पाया तो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 करने बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों एलिमेंट को फिर अपन 0 करेंगे जो फर्स्ट रो को बिलोंग करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको छोड़ के इन तीनों एलिमेंट को अगेन हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 कर लेते हैं। इसको 0 करने बाद हम क्या करेंगे, फिर ये तीनों एलिमेंट को 0 करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ ऑपरेशन को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, लिखने का तरीका देख लो एक बार। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये 1 है। तो अगर इसको 0 करना हम क्या करेंगे, इस रो सेकंड मतलब इस वाले एलिमेंट को अगर मुझे 0 करना, तो क्या करेंगे हम लोग, इस रो 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो R2 में आर जो भी ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कहाँ पे करूंगा, मैं सेकंड वाले रो में करूंगा। तो R2 को हम पहले लिखेंगे। माइनस क्या करने वाला हूँ, इस फर्स्ट वाले रो में 2 का मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। तो 2R1 हो गया ये। आइए बात समझ में, जिसको आप पहले लिखोगे उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने वाला है, उसमें ये जो है ऑपरेशन आपका अप्लाई होने वाला है। इट मीन्स R2 में अप्लाई होगा ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन बोलो। और कैसे होगा ये, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो क्या होगा, ये वाला जो आपका एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं सेकंड ऑपरेशन को भी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। क्या बताओ, इसको 0 करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और R3 माइनस 3 टाइम्स R1 को हम यहाँ पे ऑपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। आई बात समझ में क्या बोला मैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये अपना आ गया पहले वाले जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं पहले वाले रो में, उसको आप एज इट इज लिख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 लिख लिया मैं। अब क्या करना, देखो पेंसिल लेके आ जाऊं। आई बात समझ में, यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, सेकंड वाले रो में कुछ ऑपरेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं। क्या बताओ, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो क्या करो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो आप क्या करिए, दिस माइनस 2 दैट इज 0, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, 8 माइनस सॉरी 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5। ये लिख लिया आप, लिखने वक्त क्या करिएगा, आप इरेजर लीजिए उसको मिटा दीजिए। लिखोगे और उसके बाद अगर आप
यहाँ पे अगर ऑपरेशन अप्लाई करो तो आपसे मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। ओके अब देखो मुझे करना क्या है, थर्ड वाले रो में भी कुछ ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा, दैट इज R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, मतलब इसमें क्या करेंगे आप, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये अपना क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये अपना 6 हो जाएगा, ये अपना 9 हो जाएगा, और ये अपना क्या होगा, 12 हो जाएगा। ओके अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दिस माइनस दिस दैट इज 0, ओके 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6, 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4, माइनस 10 माइनस 12 दैट इज माइनस 22। ओके यहाँ तक आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, ओके अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या हो सकता है आपका। देखो यहाँ पे क्या है, ये दो को अपन जीरो कर चुके कि नहीं, अब मुझे करना क्या है, ये तीनों को जीरो करना है। कैसे करेंगे, इस वाले जीरो करने के लिए C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, ओके वैसे इसको अप्लाई करने के, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, C3 माइनस थ्राइस ऑफ C1, बिकॉज ये अपना 3 है और अपना क्या है, 1 है। इसको जीरो करने के लिए इसको वाले पार्ट, इस वाले एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, C4 माइनस 4 टाइम्स C1। ओके तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली तीन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पता पहले क्या होगा, C2 माइनस ट्वाइस C1, ओके फिर दूसरा बताओ क्या होगा यहाँ पे, यस दूसरा अपना कौन सा होगा, यस ये वाला C3 माइनस थाइस ऑफ C1। और वैसे फोर्थ वाला अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाजू में लिख लेता हूँ, दैट इज C4 माइनस 4 टाइम्स C1, लिख दिया मैं ऐसा उसको। ओके अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके जो भी अपने यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे। तो देखो जब मैं यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कॉलम वाइज लिखूँ, दैट इज 100 100 0, यहाँ पे हम रो वाइज अप्लाई किए थे तो यहाँ पे मैं रो वाइज लिखा, और जब कॉलम वाइज लिखेंगे तो हम लोग कॉलम वाइज अपने यहाँ पे लिखना कोशिश करेंगे। ओके अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि C2 माइनस ट्वाइस C1, ओके तो इसको जीरो करने के लिए क्या, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये अपने क्या 2 हो जाएगा, और ये 0 है और ये 0 है तो क्या होगा, 2 इंटू 0 दैट इज 0, ये अपना क्या 0 रहेगा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, दिस माइनस दिस दैट इज 0 हो गया। ओके फिर माइनस 3 माइनस 0 क्या होगा अपना, ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 6 माइनस 0 दैट इज माइनस 6। ओके कुछ समझ में आया क्या बोला मैं, इट मीन्स ये है कि अगर आप ये दो एलिमेंट को जीरो कर चुके हो और इसको अगर जीरो करना है तो सिंपली ये जो नंबर है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और आपस में माइनस कर लो, माइनस करने पे क्या होगा, ये टर्म आपका क्या जीरो हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा, बाकी ये दो क्या एज इट इज हो जाएंगे। इट मीन्स अगर मुझे इसको जीरो करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके लेट सपोज अपने क्या कि इस वाले कॉलम हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो अपने क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ये, यस 3 बन जाएगा। तो 3 बनने पर क्या होगा, ये 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो गया ये अपना अगेन। ओके फिर माइनस 2 माइनस 0 दैट इज अगेन माइनस 2 हो गया, माइनस 4 माइनस 0 दैट इज अगेन माइनस 4। तो देख सकते हो ये वाला एलिमेंट अपना 0 हो चुका है यहाँ पे, और ये जो क्या है एज इट इज है। ओके सिंपली अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इतना क्या 0 हो जाएगा, फाइनली ये तो क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे, दैट इज माइनस 5 माइनस 22। ओके इसको अपने ऐसा क्लोज कर लिए, आई बात समझ में, करने पर क्या करिएगा इसको आप इरेज कर दीजिए। ओके इसको भी आप इरेज कर दीजिए जिसको आप पेंसिल से लिखे हुए हो। ओके ये सब क्या है, आपको हेल्प करने के लिए, आपके मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए है। ओके तो इसको हम क्या करेंगे बाद में इरेज कर लेंगे। तो यहाँ तक मेरा हो चुका है। ओके अब देखो ये दो जीरो हो चुके, ये दो जीरो हो चुके हैं। ओके अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम चीज़ों को अपन अप्लाई करने वाले हैं एज पर आर कन्वीनियंट। ओके जिसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके पहला स्टेप में क्या था, इसको 1 करने का था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या, ये दो एलिमेंट को जीरो कर दिए, फिर हम क्या कि ये दो एलिमेंट को जीरो कर दिए, जीरो करने बाद हमको क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला। अब यहाँ पे क्या है, सब चीज़ रैंडम हो जाएंगी। ओके आपको लगता है कि हाँ क्या करना चाहिए, आपको वहां पे अपना सेंस लगाना पड़ेगा आगे के पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ओके तो यहाँ पर देखिए मैं कैसा सेंस को अप्लाई कर रहा हूँ। ओके इसको अप्लाई मतलब कैसे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि इसको मैं मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको नॉर्मल फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर सकूँ। ओके तो सिंपली बात यह है, देखो यहाँ पे अगर देखो इस वाले रो में क्या है, नेगेटिव है सब, यहाँ पे देखो क्या नेगेटिव है। ओके लेकिन अगर मैं कॉलम में देखूँ तो यहाँ पे क्या नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे क्या 2 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे चीज़ें कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा सिवाय नेगेटिव के। तो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाले हैं, हम यहाँ पे बेसिकली कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे C2 में देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या है माइनस 1/3 करूंगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो अपने क्या 1 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, माइनस 1/3 C2
टू लिख दिया वहाँ पे। ओके यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट दे दे रहा हूँ ताकि सी टू में क्या करेंगे, माइनस वन अपॉन थ्री का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा ये पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ में लिखते चलता हूँ मैं। नहीं, एक काम करते, पहले अपन देख लेते कौन सा प्रश्न को अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अपना यहाँ पे अपना हो जाएगा माइनस वन अपॉन में टू। ओके यहाँ पे अपना क्या आएगा, सी थ्री आएगा। ओके और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली माइनस वन टाइम्स सी फोर करने वाले हैं। ओके यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली माइनस वन से इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा। देखो अगेन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलम वाइज अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपना, कॉलम वाइज है। तो अपन क्या करेंगे, कॉलम वाइज अपन यहाँ लिखेंगे। तो 100। ओके यहाँ पे देखो हम क्या किया, माइनस वन अपॉन थ्री से इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया सी टू को। तो ये अपना क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये अपना क्या कहलाएगा, अपने ये टू कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आ जाओ, ये अपना क्या है, वन अपॉन टू से इसको अपन मल्टीप्लाई कर ले तो ये अपना क्या, जीरो का जीरो रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी वन एंड दिस इज गोइंग टू बी टू। ओके वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन करें तो अपना ये क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज फाइव एंड दिस इज 22। ओके ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अपना क्या है, वन वन है, और यहाँ पे क्या है, टू टू है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इसको मैं जीरो कर सकता हूँ। कैसे जीरो करेंगे, यहाँ पे अपन आर टू को अपन टू से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और आर थ्री को अपन माइनस करेंगे अगेन, ये टू आर टू से माइनस करेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट अपना क्या, जीरो हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर देखो हम कैसे करेंगे, आर थ्री माइनस ट्वाइस आर टू। ओके तो यहाँ पे देखो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन अपना अप्लाई होगा कहाँ पे होगा, आर थ्री में होगा। तो ये आर वन आर टू क्या होगा, एज इट इज होगा। तो उसके ऊपर लिख लो 1 0 0 0, फिर देखो यहाँ पे क्या, 0 1 1 5। अब यहाँ पे हम कुछ अप्लाई, ये अपना चेंज होगा। तो देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, टू का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो ये अपना जीरो, ये अपना टू, ये अपना टू, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10। ओके तो यहाँ पे दिस माइनस दिस दैट इज, दैट इज जीरो। टू माइनस टू दैट इज जीरो, टू माइनस टू अगेन दैट इज जीरो, 22 माइनस 10 दैट इज हाउ मच, 12। ओके ये अपना हो चुका है फाइन। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये अपना क्या है, 12 हो चुका है, बाकी दोनों एलिमेंट अपना क्या, जीरो हो चुका है। ओके अब देखो यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसको जीरो कर सकते हैं। कैसे जीरो करेंगे, आर थ्री को हम क्या करेंगे, आर टू सॉरी सी थ्री को हम क्या करेंगे, सी टू से अपन इसको माइनस कर लेंगे। ओके तो देखो यहाँ पे क्या होगा अगेन, यस सी थ्री माइनस सी टू, वॉट दिस इज गोइंग टू गिव मी। अब देखो कॉलम वाइज है तो हमने यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा, दैट इज 1 0 0 0 1 0। देखो सी थ्री में यहाँ पे अपना ऑपरेशन जो अप्लाई होने वाला है, ओके दिस 0 माइनस 0 दैट इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0, और सी फोर क्या होगा, एज इट इज, दैट इज 0 5 एंड दिस इज 12। आगे बात समझ में? ओके अब देखो मुझे करना है कि यहाँ पे इसको जीरो करना है। ओके तो जीरो कैसे करेंगे, ओके पहले हम क्या करते हैं, इसको वन कर लेते हैं। तो वन कैसे होगा, इस थर्ड वाले रो में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर देखो क्या होगा ये, ओके 1 अपॉन 12, ओके इंटू आर थ्री। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा देखो, अब देखो रो वाइज है तो उसको रो वाइज को, दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 5। ओके अभी हम क्या करने वाले हैं, 12 से डिवाइड करने वाले हैं। ओके तो 0 0 0 1, ठीक है जी। या अब देखो इसको क्या करना है, अपने को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं कॉलम थ्री को, ओके कॉलम टू से माइनस करूंगा, लेकिन कब बताओ, इसको जब हम लोग यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके तो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको जीरो कैसे करेंगे, चलो ठीक है उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, यस दैट इज सी फोर माइनस फाइव टाइम्स सी टू। ओके यस तो कॉलम वाइज है अपना ऑपरेशन, तो अपन कॉलम वाइज लिखें, दैट इज 1 0 0 0 1 0, सी फोर में है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0। अब देखो यहाँ पे इसको जीरो करना है, कैसे करेंगे, इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने ये फाइव हो जाएगा ये। ओके मैं पेंसिल से लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मैं फाइव लिख दिया, तो दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, 0 माइनस 0 फाइव, माइनस फाइव 1 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये अपना माइनस कर दो, इसको जीरो कर लेंगे तो ये अपना क्या होगा, ये वन ही रह जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस
दो जो आपको दो कॉलम आपको दिख रहा है उसको अपन क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे C3 इंटरचेंज विथ C4। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाइनली 1 0 0। अगेन कॉलम वाइज है तो यहाँ पे अपन कॉलम वाइज लिखेंगे दैट इज 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये अपना हो गया ठीक है। अब आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है ये अपना क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का ऑर्डर थ्री का है। ओके तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो इसको हम लिखेंगे I3। यहाँ पे क्या लिखे अपन 0 लिखेंगे। ये अपना क्या हुआ I3 हो गया। ओके इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे इतना क्या है I3 है। ओके ये अपना क्या है एक ऐसा कॉलम है जिसमें क्या है एलिमेंट सबके 0 0 है। ये अपना क्या है नल वाला मतलब वो नलिटी वाला अपना क्या हुआ ये कॉलम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे सिंपली इसको I3 लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे। ओके और ये जो है दिस इज व्हाट दिस इज माय नॉर्मल फॉर्म। ये अपना क्या है नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे फाइनली ये 3 क्या है इस मैट्रिक्स ए का रैंक है। ओके ये जो मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके उसका क्या यहाँ पे अपना रैंक है बिकॉज हम क्या कर चुके हैं इसको नॉर्मल फॉर्म इसको रिड्यूस कर चुके हैं। नॉर्मल फॉर्म कौन सा ये वाला है और ये जो 3 है दिस इज गोइंग टू गिव मी रैंक ऑफ ए दैट इज हाउ मच 3। ओके ओके ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू।